जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका की विदेश नीति फिर से 4 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौर में चले जाएगी, और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। राष्ट्रपति पद संभालते ही जो बाइडेन ने पहले तो अमेरिका के इंटरनल अफेयर से संबंधित वीजा, माइग्रेशन, मुस्लिम्स पर ट्रैवल बैन और कोविड-19 से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले पहले दिन ही पलट दिए। और विदेश नीति की बात करें तो वो भी काफी हद तक बराक ओबामा के कार्यकाल के समय की तरह चल रही है। सऊदी अरेबिया से लेकर इसराइल तक को वार्निंग्स दी जा रही हैं और ईरान को टेबल पर बातचीत के लिए लाने के लिए मिन्नतें हो रही हैं। लेकिन भारत को लेकर जो बाइडेन ने अभी तक पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई भी फेरबदलाव नहीं किया है, और आज भी दोनों देशों के संबंध बेहद पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से हैरानी वाली बात तो ये है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल सिचुएशन, बाइडेन प्रशासन ने उम्मीद से उल्टा भारत की तारीफ ही की है और कहा है कि जिस तरीके से भारत सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो काबिले तारीफ है। हैरान कर देने वाला ये इसलिए है क्योंकि जो बाइडेन ने अपने कैंपेन में कई बार आर्टिकल 370, NRC जैसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ अभी तक कोई भी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाया है। हालांकि इसके पीछे का कारण भी बच्चे बच्चे को पता है कि अमेरिका को चाइना को घेरने के लिए आज के समय भारत की सख्त जरूरत है। ऐसे में भारत के खिलाफ जाकर अमेरिका अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी थोड़े मारेगा। इसलिए जो बाइडेन को पर्सनली पसंद हो या फिर नहीं हो, आगे आने वाले काफी समय तक अमेरिका को ऐसे ही भारत को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। और ये चीज खुद ही अमेरिका ने पिछले कल साफ भी कर दी है। दरअसल बिजनेस टुडे, जी न्यूज, द हिंदू और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन प्रशासन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में कहा कि हम भारत का समर्थन करते रहेंगे, और जो $20 बिलियन के हथियार भारत को बेचने का अप्रूवल दिया गया है वो ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका भारत की सिक्योरिटी और सॉवरनिटी यानी सुरक्षा और संप्रभुता दोनों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने आगे कहा कि अमेरिका द्वारा भारत को डिफेंस सेल्स दर्शाता है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आज की डेट में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि जो बाइडेन जिस तरह सऊदी अरेबिया के साथ सभी डिफेंस डील्स को रोककर उनको रिव्यू कर रहे हैं, क्या उसी तरह भारत को होने वाले डिफेंस वेपन्स की सेल्स को भी रिव्यू किया जा रहा है, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के लिए पेंडिंग सेल्स या रिव्यू प्रोसेस से संबंधित अभी तक कुछ भी सामने नहीं है। यानी कि सऊदी अरेबिया की तरह भारत के साथ होने वाली डिफेंस डील्स को लेकर जो बाइडेन प्रशासन को कोई भी इशू नहीं है। मगर एक चीज जो यहाँ पर क्लियर करने वाली है कि भारत को हथियार बेचकर अमेरिका कोई भारत पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि हथियार खरीदने के लिए भारत कई $1 बिलियन अमेरिका को पे करता है, जिससे अमेरिका के सिटीजन्स को रोजगार मिलता है और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। और कोरोना वायरस की महामारी के कारण अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो बैकफुट पर आ गई है उससे भी इसको बूस्ट मिलेगा। वहीं उल्टा इंडिया को कई बार अमेरिका की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पर हाई प्राइसेस और वेजेस के कारण हमेशा ही हथियारों को काफी हाई प्राइसेस में खरीदना पड़ता है। तभी तो भारतीय सरकार डिफेंस इंडस्ट्री को भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर कैंपेन से जोड़ रही है। और हाँ, अमेरिका भारत के साथ पार्टनरशिप को लेकर अगर इतना ही कमिटेड है तो उसको सबसे पहले भारत के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील को साइन करना होगा, जिससे असल में भारत को फायदा होगा और भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। खैर, अगर विदेश नीति की बात करें तो भारत में रशिया और अमेरिका दोनों के ही काफी समर्थक हैं। मगर आप दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।